अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खैरियत से बेटा? आप लोग ठीक हैं? जी सर, ठीक कैसी रही आज आपकी? आप फर्स्ट डे क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन या इससे पहले हुई हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस? सर। से पहले भी ली थी, फिजिकल क्लासेस से पहले। फर्स्ट नहीं, फिजिकल क्लासेस के बाद ही आज फर्स्ट डे। ठीक है, गुड। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज़ कंफर्म करें। लास्ट टाइम क्लास में हम लोगों ने अपनी कौन सी वर्कशीट कंप्लीट की थी ग्रामर में? मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, मुझे कंफर्म करना। ठीक है, वेट। ये देखें, ये वाली, ये क्या हमने ये वाली और वर्कशीट? वॉज पर वाली करी थी हमने। वॉज पर वाली करी थी, ये नहीं करी। एक मिनट, ठीक है। मैं जरा वर्कशीट नंबर 6 है। वर्कशीट नंबर 6 लास्ट टाइम हमने की थी वो ये रही। ऐसे ही है? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम इसके आगे से ही एक काम करने जा रहे हैं। आप लोग एक काम करें, अपनी कॉपीज रेडी कर लें, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारा काम आपको ना लिखना पड़ेगा इसमें, और इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों का कोचिंग का चक्कर लगे ना, तो प्लीज़ मुझे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को ये वाली जो रिमेनिंग वर्कशीट्स हैं ये वाली प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, अभी हो सकता है आपको। हफ्ते में एक दफा लगेगा ना सर, आप तब दे दिएगा। हाँ ठीक है, मैं इंशाल्लाह तब दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बता दिएगा आप जब भी आएँ। 4:30 के बाद आएँ, मैं आपको इंशाल्लाह वाटर पम्प कैंपस में ही मिलूँगा 4:30 के बाद। सही है? आप इम्पोर्टेंट दे रहे थे क्वेश्चन। जबरदस्त बात याद दिलाई मुझे। क्लास के एंड में ना फौरन ये बात याद दिलाना। मैंने पेपर वो अरेंज कर लिया है, आपका इम्पोर्टेंट पेपर मैंने अरेंज कर लिया है, और वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इंशाल्लाह। आज मैं लाजमी दे दूंगा। मुझे आप प्लीज रिमाइंड कर देना क्लास के एंड में, ठीक है? अच्छा, तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों ने, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन से, ठीक है? बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर करना क्या है पहले ये समझ लें। आपने डायरेक्ट आंसर्स करने हैं, ठीक है? आप लोग पूरा पैराग्राफ कॉपी नहीं करोगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखोगे। जैसे फर्स्ट में क्या आंसर आना है, पहला सॉल्ट है, ये देखें यहाँ से। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज बोर्न इन बोस्टन इन 1706। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये जो बी लिखा हुआ है ना, जहां पर भी आपको बी नजर आएगा इसका मतलब होगा स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब यानी कि वॉज अ वर्ब। इसके अलावा बाकी जहां पर अगर आप ये देखो, ये गो लिखा हुआ, ठीक है, ये बिगिन लिखा हुआ, तो इनकी फॉर्म्स चेंज होंगी। सही है, ये डिसाइड लिखा हुआ, सही है। मतलब ING आ जाएगी या मेरे ख्याल से ING तो किसी में भी नहीं आएगी इनमें, बाकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म की तरफ जाएंगे हम, ठीक है? बिगेन हाँ, ऐसा है, सर। इस तरीके से गो का सर से वेंट हो गया। दोबारा बता दें सर। ओके बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये पैराग्राफ है इस वक्त आपके सामने, इस पैराग्राफ को आप लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप जहां पर भी बी देखेंगे, ये लिखा हुआ BEB, तो आप उस जगह पे स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर आपके सामने एक्शन वर्ब्स लिखे हुए होंगे उधर उनकी फॉर्म चेंज होगी। क्लियर है मेरी बात? ऑलराइट, सो आप लोग जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आए ना, तो वो मेरे पास मैसेज पर आ जाए, मैं मैसेज में समझा देता हूँ उसको, ठीक है?
और बाकी बच्चे सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं उसको फुल स्क्रीन करता हूं, अगर आपको फुल स्क्रीन में क्लियर नजर आ जाए तो बताइएगा, ठीक है? क्लियर है या वैसे सर? क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। बस वो ऊपर की एक लाइन चली गई है, वो आपने वैसे भी सॉल्व ही कर लिया। अच्छा फिजा कह रही है पहले से था। फिजा अगर आप मोबाइल फोन पे यूज कर रही हो ना तो उससे जूम कर लो, इसको स्क्रीन जूम हो जाएगी। सर लैपटॉप में नहीं हो रही, वो छोटी हो गई बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, लैपटॉप में कर लो। यहाँ तक रहने दूं या फर्स्ट लाइन भी चाहिए आप लोगों को? रहने दें यहीं तक। ठीक है, जिन बच्चों का कंप्लीट हो जाए वो हैंड रेस करते हैं, ठीक है? हैंड रेस वाला ऑप्शन याद है ना आप लोगों को? तस्लीम बेटा, वर्स और वर अगर सिर्फ आना होता तो यहाँ पे ये बिगेन और गो और ये सारी चीज़ें क्यों लिखी हुई होती? इसका मतलब वर्ब की फॉर्म्स भी आएंगी, ठीक है?
नहीं, यहाँ सारे हर एक के साथ वॉज वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे स्टेट वर्ब्स भी यूज हो रहे हैं, एक्शन वर्ब्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है? महा ट्राई करो, बगैर ट्राई किए सॉल्व नहीं हो गई है, ठीक है? जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो मैसेज में मुझसे पूछते रहें प्लीज, और जिनका कंप्लीट होता रहे वो हैंड रेस करते रहें। अपने स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, मोर लिखा हुआ होगा ऑप्शंस पे, वो मोर पे जाएं, उस पे लिखा होगा रेज हैंड, रेज हैंड पे क्लिक कर दें तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। हाँ, मास ये पास्ट से रिलेटेड करके ही करना है। कितने बच्चों का हो गया, जरा हैंड रेस करें जल्दी से। वदिया की आज कोई आवाज नहीं आ रही भाई। वदिया बेटा कर लिया आपने? ततीर आपने भी? नेहा बेटा बताओ, हमारे वो वाले बच्चे जिनकी क्लास में आवाज बहुत ज्यादा होती है, आज उन बच्चों के माइक ऑफ हुए हैं। बहुत ही हैरत हो रही है मुझे, हैरत के सदमे से मुझे बेहोशी तारी हो रही है, यकीन नहीं आ रहा। इसके बाद एक जो पैराग्राफ है ना, वो कोई इतना जबरदस्त पैराग्राफ है ना, पढ़ के खुश हो जाएंगे। बस जल्दी से इसे सॉल्व करें, फिर उसकी तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है? जी निम्रा, आपने सही फॉर्म बनाई। ओके, तो क्या मैं आपको आंसर कंफर्म कर दूं? आप सब लोगों ने कर लिया है?
मानोर मुगल की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला, ये हाइबरनेट मोड पे तो नहीं चली गई है। और तूबा की तरफ से भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। कोई अगर इनके बराबर में बैठे तो इन्हें जरा हिलाए जगाए। ततीर बेटा कहाँ गायब हो अब? हफ्सा, चलो हफ्सा को भी, मैं हफ्सा का नाम लेने वाला था और हफ्सा का रिप्लाई फौरन आया है कि यस सर कर लिया। ओके गुड। मानूर बड़ी जल्दी ख्याल आ गया अपने ये पूछने का। जी बेटा ये कॉपी में सॉल्व करना था, लिखना था अपने पास। ओके तो मैं अब आंसर्स कंफर्म कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोग अपने आंसर्स मैच करें। बेटा पूरा पूरा कॉपी नहीं करना, सिर्फ आंसर लिखना है आपने। पूरा कॉपी करेंगे तो आप तो पूरा टाइम लग जाएगा पूरी क्लास का, ठीक है? ओके सो मैं आपको अब आंसर कंफर्म कर रहा हूँ, अपने आंसर ज़रा देख लें एक दफ़ा, ठीक है? और ऑनेस्ट आंसर्स देंगे ये बताकर कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत हैं। टोटल ब्लैंक्स कितनी है, कोई बच्चा मुझे कंफर्म करेगा? 24। 24, ठीक है। तो अब 24 में से आप लोग मुझे बताओगे कि आपने कितने कर लिए। ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज बोर्न इन बोस्टन इन 1706। ही वाज द 50th यस ऑफ द 17th चिल्ड्रन ऑफ अ पोर कैंडल मेकर। ही वेंट टू स्कूल ओनली 1 ईयर। ही बिगन टू वर्क व्हेन ही वाज 12 एट द एज ऑफ 14। ही डिसाइडेड टू बी अ राइटर। ही कॉपीड द ग्रेट स्टोरीज ऑफ फेमस राइटर्स एंड लेटर ही बिकेम द बेस्ट नोन राइटर इन हिज टाइम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? सर, आपने बिकेम पे क्या बोला? बिकेम, बिकेम ही बोला है, ओके। बिकम्स सेकंड फॉर्म। नहीं होगा सर। ये कोई बच्चा मीम्स देख रहा है, उसकी उसकी आवाज यहां तक आ रही है। अगर अच्छी है तो हमें भी बताओ, भी हम लोग भी देख लेंगे। जी सर, बिकेम पे बिकम्स नहीं होगा। नहीं बेटा, सेकंड फॉर्म आएगी ना इसकी, तो बिकम की सेकंड फॉर्म भी गेम, ठीक है? ऑल राइट तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल राइट अच्छा भाई, व्हेन ही वाज 17 ही लेफ्ट बोस्टन एंड अराइव्ड इन फ्लाफिडिया ओनली विद ओनली अ फ्यू पेनीज इन हिज पॉकेट। ही गॉट अ जॉब एज अ पब्लिशर ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड रिटायर्ड 40 इयर्स, एक मिनट, एंड रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस एज अ वेरी रिच मैन एट 42। देन ही स्पेंट, टी आ जाएगा इसमें, जी। SPENT, स्पेंट द नेक्स्ट 40 इयर्स फॉर हिज गवर्नमेंट। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाउंडिंग ऑफ द USA। यहां तक कोई क्वेश्चन या कोई बात जो कंफर्म करनी है? सर एक बात बताएं, लेफ्ट क्यों आया, लीव्ड क्यों नहीं हो सकता, ईडी क्यों नहीं आ सकता? बेटा क्योंकि ये लीव्ड अंग्रेजों ने अभी तक बनाई नहीं है ऐसी कोई फॉर्म। जी अच्छा है ही नहीं, माशाल्लाह। मतलब हम क्रिएटर्स में से एक हैं, खुद बना लेते हैं अपनी फॉर्म अगर मिले नहीं तो। क्यों? सही बात है। लेफ्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है? ऑलराइट ओके। आगे बढ़ें। होपफुली और किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगर है तो बता सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट सो फ्रैंकलिन वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। ही ड्रीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ क्लाउड ऑन अ काइट स्ट्रिंग। ही रोट वन ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ही इन्वेंटेड अ सिंपल लाइटनिंग रॉड एंड मैनी अदर प्रैक्टिकल टूल्स। ही मेड अ स्टडी ऑफ वॉटर एंड डिस्कवर्ड मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोडाइनमिक्स। ही इवन इन्वेंटेड बायोफोकल ग्लासेस When he was 78 and needed him the and needed them himself. Franklin did all these things
and many more because he believed he could. अब अपने अपने जरा बताएं 24 में से कितने सही किए आपने? सर मेरे 4 गलत हुए और 20 सही हुए. 4 गलत हुए हैं और बाकी सही हुए हैं. 18 सही हुए हैं. बाकी नहीं 20 20 सही हुए हैं. ठीक है. मेरे भी 4 गलत थे सर. ठीक है. महा जुबैर कह रही हैं कि उनके सारे सही हैं. थम्स अप बेटा आपके लिए. और बाकी बच्चे भी बताएं. तस्लीम के 19 सही. जबरदस्त. खतीजा 23. तूबा के सारे सही हैं. ग्रेट. हफ्सा एक गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा. फिजा 21 जबरदस्त. मानू 22 वेरी गुड. और बदिया 3 गलत हुए हैं, कोई बात नहीं भाई. जबरदस्त. तुमने कितने सही कर दिए? 21 सही किए. बी पॉजिटिव से के 21 सही किए. 3 गलत किए वो तो अलग बात है. ओके. नेहा 22 जबरदस्त. नबिया जिंदाबाद 22. नारे हो जाने चाहिए यहाँ पे, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम लोग इतने ज्यादा सही आंसर्स कर रहे हो. अच्छा भाई महा आपकी चार्जिंग खत्म हो रही है, स्ट्रिंग पी लो भाई. अच्छा अलीशा हैदर सारे सही हैं. अरे भाई जबरदस्त. ग्रेट. मुझे लगा कि शायद 15-16 के बीच में रैंकिंग रहेगी, लेकिन यहाँ तकरीबन 20 प्लस चल रही है. जबरदस्त. राइट. नहीं इसमें कोई सा भी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का नहीं बनेगा, सारे पास्ट इंडेफिनिट के बनेंगे. ये एक्सरसाइज इन फोर्स ही इस चीज के ऊपर कर रही है कि इसमें सारे पास्ट इंडेफिनिट के बने. ठीक है. अच्छा अब आपने करना ये है कि एक आपके सामने स्टोरी लिखी हुई है, इसे लिखना है, प्रॉपरली लिखना है. ठीक है. अपनी कॉपी में प्रॉपरली लिखना है. करना यह है कि रीड द फॉलोइंग स्टोरी, और करना उसके बाद क्या है, राइट द स्टोरी अगेन, यूज देम सिंपल पास्ट. जितने भी वो हैं इसमें प्रेजेंट के उसे पास्ट में कन्वर्ट करना है. पहली लाइन एग्जांपल के तौर पे लिखी हुई है, जैसे पहली लाइन यहाँ से पढ़े. बॉब इज अ यंग सेलर. बॉब वॉज अ यंग सेलर. ही लिव्स इन इंग्लैंड. ही लिव्ड इन इंग्लैंड. बट ही इज ऑफन अवे विद हिज शिप. बट ही वॉज ऑफन अवे विद हिज शिप. इस तरीके से आपने इसे कंप्लीटली पास्ट में चेंज करना है, और ऐसा करने में आपको ये पैराग्राफ जरा समझ में भी आ जाएगा. जरा जल्दी से कर लें ये काम आप लोग. नहीं होमवर्क नहीं है ये, तो अभी क्लास वर्क है. बढ़िया. मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको होमवर्क के तौर पे कुछ भी ना दूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए कन्वेंस किया था, तो आप जो है वो दोबारा से उसको देख लीजिएगा, एक दफा टेस्ट शुरू कर लीजिएगा अपने. ठीक है. नेहा बेटा स्टोरी आपके सामने है, ठीक है, उसको आपने पास्ट में कन्वर्ट करके लिखना है. नीचे जो है ना उसमें एक एग्जांपल लिखी हुई है, पहली लाइन उसको रीड करो तो आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह. ओके फरवा यू आर डन. Amazing. ये ऑनलाइन आने के बाद तुम बच्चे को ज्यादा ही एक्यूरेट नहीं हो जाते हो भाई? मतलब जबरदस्त आंसर्स आ रहे हैं और फटाफट काम भी हो रहा है. मतलब पूरा साल फिर ऑनलाइन पढ़ाया जाए आप लोगों को.
ओके नेहा यू आर डन, जबरदस्त। अच्छा बेटा 5 मिनट्स रुक जाए, अजान हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आंसर्स बताता हूँ। ओके तो होपफुली आप लोगों ने इसे कन्वर्ट कर लिया होगा, अपने पास लिख लिया होगा इसे, ठीक है। ओके सो एक काम आपने करना है, ये है कि यस एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग अपने पास पहले, ठीक है, और इनके आंसर्स आपने लिखने हैं अपने पास। पहले स्क्रीनशॉट ले लें फिर उसके बाद लिखना शुरू कर दें, क्योंकि अगर हमारी क्लास बीच में ऑफ भी होती है तो आप लोग अपने आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो Do it right now.
क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ वाज देयर डॉटर? यस, अकॉर्डिंग टू बॉब, हाउ वाज देयर डॉटर? बेटा मेक श्योर कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बिकॉज माय जूम मीटिंग इज ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड, ओनली 3 मिनट्स आर रिमेनिंग, सो होपफुली यू ऑल आर डन विद दिस. ओके फरवा, यू आर डन, दैट्स ग्रेट. और डू वन थिंग, ओके, टेक इट एज योर, what should I say, as an assignment I should say, and then solve it and give it to me. ek kaam kare, story ka bhi screenshot le lein, taaki agar aapne help leni ho to isme se aap le sake. theek hai, okay girls and a boy, are you done? hum log isko inshallah kal continue karenge yahi se, theek hai, aapke answers se, and hopefully you will all complete this. so right now I am signing off, and you all must take care of yourselves and must remember me in your prayers too, and to take care everyone. Allah Hafiz. Must say Allah Hafiz to me. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz.